रानी की पूड़ियां, बारूद का तेल, बदले की आग में वसुंधरा का खेल, आज लीजिए रानी के हाथों से बनी पूड़ियों का मजा। खजी रानी आज दावत जो दे रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रानी ने व्रत रखा है, मैंने व्रत रखा है, पंडितों को खिलाना होता है व्रत से पहले, तो मैं 11 पंडितों का खाना खिला रही हूँ, इसलिए मैंने पूड़ी और ये सब रखा है। लेकिन ये क्या धमाका कैसे हुआ? अरे रानी तुम ठीक तो हो ना? मैंने तो कभी नहीं खाई है, स्पेशल मौत की पूड़ियां हैं ये। अजी हम बताते हैं कि ये खेल किसने किया, ये कोई और नहीं वसुंधरा मैडम का कांड है। भाई कमाल है, वसुंधरा का ये सॉलिड आइडिया है। कौन सी फिल्म देखकर आ रही हो मैडम? खाने के सामान में बारूद, क्या रानी को निपटाने का इरादा था? मैं मेरे पेपर्स जो थे ना उसने जला दिए। क्या थे पेपर्स? जिसमें साइन किया था उसने, सुनंदा ने, प्रॉपर्टी मतलब। हाँ, तो उसने वो जला दिए, तो मुझे खुन्नस में कि मैं बोलती हूँ कि मैं भी 24 घंटे में तुमको राख बना दूंगी, तो वही प्लान करी थी। अच्छा जी, तो ये बदले की आग का बारूद है जिसकी शिकार बन गई बेचारी रानी, और राजा को जब तक समझ आता वसुंधरा का खेल, तब तक रानी के साथ हो गया कांड। नहीं नहीं, राजा को नहीं पता, राजा को लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उससे पहले मैं ले जाता हूँ वसुंधरा को, लेकिन राजा को ये नहीं पता होता कि वसुंधरा ऑलरेडी कुछ कर चुकी है। मैंने उसके वो जो आटा जो पूरी बना रही है उसमें बारूद मिक्स कर दिया है, तो जब वो पूरी डालेगी तेल में तो वो फूट जाता है। वसुंधरा अपने साइन किए हुए पेपर्स के जलने का बदला रानी को जिंदा जला कर लेना चाहती थी, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बेचारी रानी जो थोड़ी देर पहले तक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लग रही थी, देखिए कैसे बन गई चोकोबार। आज तो मैं बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वैनिला लग रही हूँ। सस्ती वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐसी होती है। खैर रानी आज तो आप बाल बाल बच गई, लेकिन वसुंधरा आपको ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं। इस बार पूड़ियां तलने से पहले आटा जरूर चेक कर लेना, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं। आज तक ब्यूरो।